बैठक बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर चल रही थी। यूक्रेन और बेलारूस के बीच तनाव को कम करने के लिए वो बैठक 3.5 घंटे बाद खत्म हो गई है। क्या इस बैठक से तनाव कम होगा? तनाव जो इस समय बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्या उससे कुछ कमी आएगी? क्या उसमें कमी आएगी? क्या शांति बहाली की प्रक्रिया में कुछ कदम आगे बढ़ेंगे दोनों देश, या फिर अब बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है और युद्ध एक नए लेवल पर अब आगे बढ़ेगा? इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव में तमाम लोग यहां से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं। स्थिति इस समय इतनी गंभीर है कि लोग, अगर गाड़ियां नहीं मिल रही, बसें नहीं मिल रही, तो एम्बुलेंस में दुगुने तिगुने पैसे देकर रेलवे स्टेशन पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बसें बाहर नहीं जा रही हैं, इसीलिए ट्रेन स्टेशन पर इस समय बहुत भीड़ है, जहां से आज तक की ये खास पेशकश आप इस समय देख रहे हैं। जमीनी स्थिति बेहद तनावपूर्ण, कहा इस समय यह जा रहा है कि आज रात तक हर सिविलियन को कीव शहर खाली कर देने की जरूरत है, क्योंकि अब इसके बाद ऑपरेशंस और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे।